हेलो, गुड मॉर्निंग। राम राम जी, कैसे हैं आप सभी? आशा करते हैं कि आप सभी भी अच्छे होंगे और भले चंगे होंगे। और ये होली से पहले की तैयारियां हैं। बड़ा ना दे रहा हूं, दे रहा हूं, अरे यो सही है, इसके नाम का कर दे, यो सही है। ए भाई, साथ में तो कौन है आंदा? यो ई मत आराम से चढ़ जा, आराम से आ जाएगा उसमें भी। गली में आए हुए थे चूड़ी वाले भैया, तो अभी अमीर सब ने चूड़ियाँ खरीद ली हैं। गली में जितनी भी औरतें हैं सभी ने खरीद ली हैं, और मम्मी को तो मैंने पहना भी दी हैं। उनके लिए राधे राधे के कड़े थे, बहुत सुंदर लग रहे थे, तो वो लिए हैं। और अभी ली है शक्कर। लेगी क्या सुमने? शक्कर और जो बेर हैं वो होली वाले दिन कंपलसरी होते हैं यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे शक्कर चावल बनते हैं। तो ये होली से पहले दिन की तैयारियाँ हैं, तो शक्कर भी ले ली है और बेर भी ले लिए हैं हमने। और अभी जो कंडे बनाए थे कई दिन पहले, अभी उनकी माला बनानी है, जो कि पूजा के लिए चाहिए होंगे। और बच्चों से बच के आए थे यहाँ पे ऊपर छत पे कि बच्चे नहीं ढूंढ पाएंगे। भाई बता क्या खाओ गीतू आज? उबाल लेके ना पाया टक्का मम्मा ने, मेरे पे दाग की। हाँ, मेरे भी लगा दे। पर बच्चों से कितने भी क्यों ना बचले, पर बच्चे अपने आप ही ढूंढ लेते हैं। आरव और वेदांशी को पता लग गया था कि हम यहाँ पे हैं ऊपर, तो ये ऊपर ही आ गए थे। हाँ जाएंगे, बुरकली बना के लेके जाएंगे ना। और यहाँ पे भी आरव की तैयारियाँ चल रही है। आरव ने सारे बैलून निकाल के रख लिए हैं, और कई दिनों से बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो रहा है। पूरा दिन घर में रंग ही रंग चल रहे हैं, और ये सारा दिन बैलून फुलाने पे रहते हैं दोनों बच्चे। और चावल तो बनने ही थे, तो फिर मैंने सोचा कि कढ़ी भी बना ले, क्योंकि मीठे के साथ तो ऐसे काम नहीं चलेगा पूरा। तो इसी वजह से मैंने कढ़ी भी बना ली, कई दिन हो गए थे कढ़ी बनाए हुए, तो चावल भी मेरे बन गए हैं। और पूजा के लिए थोड़ा जल्दी ही जाना है, और यहाँ पे ना ठंड हो गई है, रात को हुई थी बारिश, तो सुबह सुबह का टाइम है ये। मैंने सोचा कि पूजा करने जाने से पहले ही मैं अपने कुछ एक काम निपटा लूँ, क्योंकि आरव के पापा चले गए थे फिर पूजा करने के लिए खेत में, क्योंकि थान है, दादा सैयद है, तो दादा सैयद पे और दादा थान पे ज्योत बत्ती पूजा आरव के पापा ही करके आए थे। वहीं पर पूजा वूजा करके आ गए थे, आरव के चाचू गए थे और वो गए थे। तो अभी मैं बच्चों के लिए खाना डाल रही हूँ, क्योंकि बच्चों को लग गई थी भूख। तो मैं सुबह जल्दी उठी थी, तो बच्चे भी मेरे साथ में ही उठ लिए थे। तो ये देखिए जी, मैंने थोड़ा सा मक्खन एक्स्ट्रा डाल दिया बच्चों के, क्योंकि मिर्ची नहीं लगेगी उनको। और ये देखिए, आज एक साधु महाराज आए हुए थे यहाँ पे, तो फिर उस टाइम पे खाना बन गया था, तो उनको भी खाना खिला दिया था। उसके बाद तैयार होके मैं चल दी थी पूजा के लिए, और मम्मी पहले ही पहुँच गए थे। मम्मी चले गए थे बाइक से, क्योंकि मम्मी से नहीं चला जाता, तो आरव के पापा बाइक पे छोड़े आए थे। और पूजा करके, हमारी पूजा करवा के मम्मी चले गए थे घर वापस। तो फिर मैं रुक गई थी यहीं पे, मैं क्या थोड़ी बहुत वीडियो बना लेंगे और फिर चाची जी और के साथ में ही आ जाएंगे। और मुहूर्त था 9:45 से पहले का ही था, तो 9:45 से पहले पहले ही आ गए थे हम पूजा करने के लिए। तो पर मेरे ख्याल से हर किसी को नहीं पता था शायद मुहूर्त के बारे में कि कौन सा शुभ मुहूर्त है, तो इसी वजह से ज़्यादा रश नहीं था। क्योंकि अगर 12-1 बजे के आसपास आते हैं तो उस दौरान बहुत ज़्यादा भीड़ मिलती है यहाँ पे, पर आज अभी इतनी ज़्यादा भीड़ नहीं थी। और ये देखिए, यहाँ पे ना ऐसे मोड़ चल रहा था, तो बहुत ही सुंदर व्यू था। और अभी पूजा हमारे तो मम्मी ने करा दी थी, तो अभी चाची जी कर रही हैं, तो मैंने सोचा कि चलो इन्हीं की वीडियो बना लेते हैं। और यहाँ पे चल रहा है अभी, जैसे कि सिद्धा लेके आया जाता है, गुड़ है, आटा है, तो वो दिया जाता है यहाँ पे। ये भी एक रिवाज है, ज़रूर से ज़रूर कंपल्सरी। तो पूजा वूजा करने के बाद, उसके बाद चाची थी यहाँ पे बड़ी, तो मैंने उनके पैर दबा दिए थे, क्योंकि आशीर्वाद भी लेना ज़रूरी होता है। और मम्मी है घर पे, तो मैं मम्मी से मिलूँगी घर पे ही। और ये देख लो, बच्चे ना इतने ज़्यादा खुश हो रहे हैं बाहर आके। आरव को मिल गया उसका क्लासमेट, तो ये उसी के साथ इतना मगन हो गया। वैसे स्कूल में जाने के लिए तो कुछ इतना ज़्यादा एक्साइटमेंट है नहीं, अभी जैसे कि ये घर पे ही रहता है, तो बार बार मना करता है कि मम्मा मैं नहीं जाऊँगा स्कूल में। और यहाँ पे सुबह ही होली खेलने लग गए हैं बच्चे।
और धुलंडी वाले दिन तो बहुत ही ज़्यादा बुरा हाल होता है। और ये देखिए जी, मैंने सोचा कि चलो गौ माता से भी आशीर्वाद ले लूँ, पर ये जो गाय है ये थोड़ा सा गुस्से वाली दिख रही थी मुझे। और ये देखिए जी, यहाँ पे ना एक नल है, तो आरव को लगी आई थी प्यास, तो बच्चे बोले कि हमें पीना है पानी, तो मैं कहा चलो कोई नहीं, इनको पहले पानी पिला देते हैं। ये मतलब इसी फीलिंग आओ देख रहे जो दर मैं अपने मानी देख। हाँ 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 और यहीं से पूरे गांव की औरतें पानी लेती हैं। चला यू बढ़िया ये छोड़ तो पी ले सर दे बस पानी आ रहा तू ना आ रहा। और अभी आ चुके हैं हम घर पे, और कुछ एक पानी ना बचा के लेके आते हैं, जो दहलीज होती है वहाँ पे पानी डाला जाता है और सतिये वगैरह किए जाते हैं। तो घर पे आके मैंने मम्मी से भी ले लिया आशीर्वाद, सभी इसको खाना खिला दिया था। अभी आ गया है मेरा नंबर, तो मैंने अपना भी खाना लगा लिया है। और शक्कर चावल हैं, तो मैं तो हाथ के साथ खाती हूँ शक्कर चावल। क्या बोले थे? आई फॉर आइसक्रीम, माने आइसक्रीम। पैसे पतंग के फॉर काइट। आइसक्रीम दे खान नो ये ना वहां से आने के बाद कुछ देर के लिए बैठ गए थे, और फिर कुछ रोटी और आटा वगैरह रखा हुआ था तो मम्मी लेके गई है। अभी उनको वहां पे चाची जी और के घर पे गाय हैं, तो वहीं पे लेके गई है, वहां पे बाखर के अंदर डाले आएंगे। और मैं आ गई हूँ अभी किचन में, अभी मैं करूँगी ब्रेड बनाने की तैयारी। आज मुझे बनाने हैं ब्रेड पकोड़े, और ये चार ही ब्रेड थे, तो मैंने सूखा धनिया, काली मिर्च और जीरे को तवे पर भून के उसका पाउडर बना लिया है। और ये देखिए मैंने बेसन लिया है, प्याज, टमाटर, हरी मिर्ची, और दो चम्मच लेना है मुझे चावल का आटा। तो सामान वगैरह मैंने सारे पहले ही कटिंग करके रख लिया है, ये शाम के टाइम की क्लिप है। और इतना ज़्यादा नहीं बनाना है क्योंकि नेक्स्ट डे भी बनेगा धुलंडी वाले दिन। तो इसके अंदर टमाटर मैंने इसी वजह से डाला है क्योंकि फिर ना कई बार ना आलू इतने ड्राई ड्राई से सूखे सूखे से हो जाते हैं कि फिर वो जो स्टफिंग डालते हैं ना वो अच्छे से नहीं चिपक पाती। तो मैंने इसके अंदर अब ये कसूरी मेथी डाली है, नमक, हल्दी और जो ये मसाला बनाया था इसको डाल के अभी इनको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसके अंदर गुठलियाँ नहीं रहनी चाहिए क्योंकि अगर गुठलियाँ रह जाती है ना तो या तो अगर आपके पास मैशर है या कद्दूकस है तो उससे कद्दूकस कर लेना, पर ये वैसे ही ठीक हो गए थे ऐसे ही अच्छे से। तो अभी मैंने दो चम्मच डाला है चावल का आटा, और चावल का आटा डालने का ना ये फ़ायदा है कि इससे करारे तो होंगे, बहुत ज़्यादा क्रिस्पी बनेंगे और ज़्यादा तेल भी नहीं लेंगे। तो थोड़ी सी डाल लेंगे अभी हम अजवाइन, और ये जो पिज्जा के साथ आती है ना चिली फ्लेक्स, तो दो पाउच डाले हैं मैंने अभी ये। तो और हरा धनिया, नमक और थोड़ा थोड़ा सा पानी डाल के अभी कर लेंगे इसको मिक्स। और ना तो ज़्यादा गाढ़ा गोल बनाना है और ना ही ज़्यादा पतला बनाना है, और पानी थोड़ा थोड़ा सा ही डालना है क्योंकि अगर ज़्यादा एक साथ डाल देंगे तो फिर इसके अंदर गुठलियाँ बन जाएंगी और फिर वो दिक्कत देंगी बार बार और फिर अच्छी भी नहीं लगती। और ये देखिए जी, बैटर मैंने बना के रख दिया है, और ये है ग्रीन सॉस, तो मैंने पहले ही बना के रख दी थी। और ये देखो ये सुबह बनाई थी, तो इसका कलर ना चेंज हो जाता है, तो रखे रखे इसका कलर ऐसा हो गया। तो एक ब्रेड पे मैंने वाइट मतलब कि सॉस लगा ली है टमाटो सॉस, और एक पे वो हरी चटनी लगा ली है। हरी चटनी की रेसिपी मैंने पहले दे रखी है, कई सारी वीडियोज़ हैं तो आप वहाँ पर जाके चेक कर सकते हो, बहुत ही ईजी है और झटपट बन जाती है। और इसको अच्छे से दबा देंगे, स्टफिंग भर दी है हमने इनके अंदर, और दबाना जरूर है नहीं तो फिर इनका डर रहता है कहीं ये खुल ना जाए। और ब्रेड चार ही थे तो खाने वाले बंदे ज़्यादा थे, तो मैंने इनके छोटे छोटे से पीस कर दिए, कुछ एक मैंने तिकोनी शेप में काट दिए थे। और ये देखिए, अगर इनको ऐसे भी सॉस के साथ खाएं ना तो ऐसे भी बहुत ज़्यादा टेस्टी लगते हैं, क्योंकि आरव कई बार अपने लंच बॉक्स में पैक करवा के लेके जाता है तो उसको बहुत ज़्यादा पसंद है।
तो ये देखिए जी, इनके छोटे छोटे से पीस कर दिए हैं मैंने। और ये ना पता, बच्चे एक तो पूरा नहीं खाते और लेके वो पूरा बैठते हैं, क्योंकि आधे में फिर वो मानते नहीं, तो इसी वजह से भी मैंने थोड़े छोटे कर दिए। और ये देखिए, जो हमारा गोल है, जो बैटर है, वो इतना गाढ़ा होना चाहिए कि हमारी उंगली पे अच्छी सी कोटिंग आए। और ना अगर ज़्यादा गाढ़ा होगा तो फिर हमारे ब्रेड उसके अंदर टूट जाएंगे, और पतला होगा तो फिर वो हमारे ऑयल को ख़राब कर देगा। तो इसी वजह से वो मीडियम सा ही रखना है, ना ज़्यादा गाढ़ा और ना ज़्यादा पतला। एक एक करके अभी हम इनको ऑयल में छोड़ देंगे। और इनको ना हाफ़ फ्राई किया है मैंने, फिर 2 मिनट के बाद निकाल लिया है इनको, उसके बाद दोबारा से फिर फ्राई करेंगे। और ये वाले ब्रेड ना सच में बिल्कुल भी, मतलब बहुत कम ऑयल लेते हैं, ज़्यादा ऑयल नहीं लेते, क्योंकि ब्रेड नहीं तो ज़्यादा ऑयल लेते हैं अपने अंदर। और ये देखिए, ये जो ऊपर नीचे के ब्रेड होते हैं ना डब्बे के अंदर, तो मुझे ये भी यूज़ करने पड़ गए, क्योंकि खाने वाले हो गए थे ज़्यादा, पता लग गया था सब ब्रेड बनाए हैं। तो इसी वजह से फिर मैंने इनके अंदर भी स्टफिंग भर दी, क्योंकि स्टफिंग तो ज़्यादा थी। और वो बोल रहे थे पैकेट लाने के लिए, फिर मैंने मना कर दिया कि नहीं, अभी पैकेट लेके आओगे तो दोबारा मुझे सारा काम करना पड़ेगा, तो मैं क्या इसी से काम चला लेंगे। तो ये देखिए जी, अभी दोबारा से डाल दिया है मैंने इनको फ्राई होने के लिए, और 2 से 4 मिनट में भी ये अच्छे से फ्राई हो जाएंगे। और सच में बहुत ही ज़्यादा इजी है, और इस मेथड से बना के देखना आप। सॉस वगैरह भी लेने की कोई ज़रूरत नहीं होती ज़्यादा, क्योंकि सॉस ऑलरेडी इनके अंदर हमने भर दी है। तो अभी इनको एक बार और फ्राई कर लिया है, और ये देखिए कलर, देखिए कितना अच्छा कलर आया है। और मैंने ना जो ये गोल बनाया था उसके अंदर हल्दी नहीं ऐड की है, क्योंकि हल्दी ऐड कर देते हैं ना फिर ज़्यादा येलो येलो से हो जाते हैं। तो ये देखिए, इस वजह हल्दी ना ऐड करने की वजह से इनका कलर बहुत ही ज़्यादा अच्छा आया है। जो स्टफिंग थी उसके अंदर तो मैंने डाल दी थी, पर वैसे बैटर के अंदर नहीं डाली थी। और ये मैं आपको ना काट के दिखा दूँ, आपको दिख रहा होगा कि कितना, मतलब कि आसानी से नहीं कट रहा है ये थोड़े से सख्त से कट रहा है, तो इसका मतलब कि ये बहुत ज़्यादा क्रिस्पी है। और बच्चों की साउंड आ रही थी तो इसी वजह से मैंने म्यूट करना पड़ा यहाँ पे। तो बना के मैं लेके आई हूँ सबसे पहले मम्मी के पास, तो मम्मी से टेस्ट किसे लग गया। दानशु किसे लग गए? यम्मी यम्मी किसे बने मम्मी? और सच में ब्रेड बहुत ज़्यादा टेस्टी बने थे। और जो आगे धुलंडी का व्लॉग है वो भी ज़रूर से ज़रूर देखना। और जो भी कोई मेरे चैनल पे नया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और कमेंट करके बताना व्लॉग आपको कैसा